वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोचिंग भारती। अभी हमारा इसमें जो टॉपिक है वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, हमें फाइंड आउट करना है। पर इसमें क्या है, हमारे पास ओड नंबर का फाइंड आउट करना है, ठीक है। इवन नंबर का हम अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो हमें क्या करना है, जैसे ओड नंबर हमारे पास 17 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 17 है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारे पास फोर एनी नेचुरल नंबर, फोर एनी नेचुरल नंबर जो हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, दैट इज़ 2m, एम स्क्वायर माइनस वन और एम स्क्वायर प्लस के वन होता है, ठीक है। पर जब हम करते हैं 2m, सपोज़ करो अगर हम 2m इक्वल टू 17 रखते हैं, तो m इक्वल टू 17 अपॉन 2 आ रहा है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये पॉइंट में लाई कर रही है, तो ये हमारा ट्रिपलेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस वाली कंडीशन में, जब 2m के इक्वल टू हमने 17 रखा तो पॉसिबिलिटी नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 17 रखेंगे, तो एम स्क्वायर इक्वल टू 17 प्लस वन, तो ये आया हमारे पास 18, तो यहाँ पर भी हमारी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड हम कर रहे हैं एम स्क्वायर प्लस के वन इक्वल टू 17, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू 17 माइनस वन करेंगे, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 16, तो हम बोल सकते हैं एम की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जब एम की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, तो हमें पता है जो हमारे पास ट्रिपलेट होते हैं, दैट इज़ 2m, एम स्क्वायर माइनस वन और एम स्क्वायर प्लस के वन, दीज आर थ्री ट्रिपलेट्स वी हैव, तो हम क्या करेंगे, 2 × 4 तो इट विल बी 8, और 4² - 1 तो इट विल बी 16 - 1, इट विल बी 15। इसी तरीके से आप यहाँ पर करोगे 4² + 1 तो 16 + 1 इट विल बी 17, तो हम बोल सकते हैं हमारे पास तीन ट्रिपलेट आएंगे, 8, 15 और 17। आप इस तरीके से ओड के पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।